हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। और जो हमारा जो टॉपिक है उसमें भी आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स के बारे में। तो दोस्तों, मल्टीविटामिन्स की जरूरत हर एक को है आज के टाइम में, और इसकी नीड है। कैसे हमें बॉडी को साइन मिलता है कि इसकी हमें नीड है, बॉडी में कमी हो रही है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, तो हम आज उस पर बात करेंगे। दोस्तों, तो जानने से पहले ये सब कुछ चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करें हैं टियांस के मल्टी विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले तो मल्टी विटामिन की जरूरत क्यों है हमें? मल्टी विटामिन कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये एक सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट वो चीज होती है जब हमें किसी भी चीज की जो हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, विटामिन या फिर मिनरल्स की, तो हम उसकी जो पूर्ति करते हैं तो सप्लीमेंट के जरिए करते हैं, जो हम बॉडी में बाहर से लेते हैं। तो दोस्तों, आज का टाइम कैसा है कि भागदौड़ वाली जिंदगी है, हर कोई वर्किंग है मोस्टली घर में। आपके जो भी हस्बैंड और वाइफ मोस्टली हर घर में दोनों ही काम करते हैं, और जो आज का टाइम है इसमें आपकी बॉडी बहुत ही थकावट फील करती है, और आपको लगता है कि आप पूरे दिन के बाद अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते हैं, एक्टिव फील नहीं करते हैं, तो यानी कि आपको जरूरत है मल्टीविटामिन लेने की। तो दोस्तों, मल्टीविटामिन क्या है? सबसे पहले तो हम सब ने पढ़ रखा है विटामिन ए, जो कि हमारे जितने भी आई से संबंधित नाइट ब्लाइंडनेस की जो हमारी जो कमी है उसको दूर करता है। विटामिन बी बेरी बेरी रोग है जितना, और जो भी हमारा आयरन है और जो स्किन से संबंधित चीजें हैं उसको दूर करता है। ये कॉम्प्लेक्स बना के पूरा आता है, B12, B1 ऐसे करके। तो दूसरा जो हमारा है विटामिन सी, जितने भी हमारे जो स्कर्वी जैसे रोग हैं उसको हमारे दूर करने का काम करता है, जो हमारे भी जितने भी तीत से संबंधित चीजें हैं और सब चीजों पर काम करता है। हमारा डी, रैकेट्स हो जाता है बच्चों को डी की कमी के कारण, सनलाइट नहीं मिल पाती है, और एकमात्र स्रोत जो कहते हैं लोग कि विटामिन डी का है सनलाइट, अगर नेचुरल प्रोसेस में कहें। और जो सनलाइट है वो प्रॉपर हम लोग नहीं ले पाते हैं टाइम टू टाइम, या तो कहिए हमारा ऐसा काम करने का तरीका है, लाइफस्टाइल को आप कह सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, या हम इतने फ्री नहीं है कि हम अब जो प्रॉपर एक टाइम होता है उसका, जो मॉर्निंग में बिफोर 12 o'clock से पहले की जो लाइट होती है वही अच्छी होती है, और उस टाइम पे सब लोग इतना बिजी होते हैं, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो। तो दोस्तों, उसकी और जो सबसे बड़ी उसकी पूर्ति भी हम इस मल्टी विटामिन से ही करते हैं, और जो अगर डी की कमी हो जाएगी तो सी का कंजम्पशन भी बॉडी में अच्छे से नहीं होगा, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ई, हम कौन नहीं चाहता है कि आपकी स्किन अच्छी रहे, हर कोई चाहता है कि शाइनी हेल्दी स्किन रहे, हेल्दी हेयर्स रहे आपके, और जितने भी रिप्रोडक्टिव आपके ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहे इससे। तो फ्रेंड्स, तो ये जो है सब आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है मल्टी विटामिन से, इसमें मिला के आपको बनाया गया है। बस एक टैबलेट लेने से आप इन सब चीजों से आप रिलैक्स पाते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपने फील किया होगा कि बहुत गुस्सा आता है कुछ लोगों को, चिड़चिड़ाहट भी होती है बहुत सी, और ऐसा आपको लगता होगा कि क्या कहते हैं कि थकावट तो है ही बॉडी में, और बहुत पेन जैसे हर एक पार्ट्स में फील होता है। तो इस सब का जो है साइन है ये कि आपको मल्टी विटामिन सब लेना चाहिए, जो कि आपके खाने से पूरा दोस्तों नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम खा के पूरा कर लेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम कभी भी ये सोच के नहीं खाते हैं कि हम अगर ए खा रहे हैं, हम अब इसमें बी भी खा लें, डी खा लें, सी, अगर आप चलो वैसा मैनेज करके खाते भी हो, लेकिन आज क्या उतना प्योर है जितना आपके बाबा दादी लोगों का था, जो 100 साल का जीवन जीते थे बिना किसी रोग के? ऐसा है क्या आज के टाइम में? ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को, चाहे वो आप कुछ ना कुछ, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो या शुगर हो जैसी बीमारी ना हो, क्यों है ये सर? क्योंकि हमें इन सब चीजों की बॉडी में कमी है, जिसकी पूर्ति हमको मल्टी विटामिन से करनी है। तो दोस्तों, जो मल्टी विटामिन है, एक तो सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है इसका, ये इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और आज के टाइम में इम्यूनिटी मीन्स आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है उसका लाइफ में। अगर आपको आप हेल्दी लाइफ चाहिए, अगर आपको आज लाइफ में आपको बहुत सारी चीजों से लड़ना है, जैसे हम सब लोग समझ रहे हैं कितना क्रिटिकल समय 2020 जो चल रहा है, तो इन सब चीजों को आप इससे दूर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम ठीक है मल्टी विटामिन ले लेंगे, लेकिन हम टियांस का ही मल्टी विटामिन क्यों लेंगे? तो आप टियांस का इसलिए लीजिए क्योंकि ये लैब में नहीं बना हुआ है।
जो अदर है वो सस्ते जरूर हैं, लेकिन वो केमिकल बेस्ड है और ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, 533 रुपीज का है, और वो शायद आपको 20-25, 30 या 50 में मिल जाए। लेकिन अंतर है ये पूरा नेचुरल प्राकृतिक बेस पे है, तो कोई भी एक्सेस भी अगर बॉडी में होता है तो कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप अब ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप मल्टी विटामिन से क्या साइड इफेक्ट होता है, हमने तो नहीं सुना, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि हाँ होता है अगर एक्सेस में हो जाए तो। हाइपर विटामिन प्रोसेस या हाइपर विटामिनसिस जैसी नाम की बीमारी है, तो वो इससे हो जाती है एक्सेस होने से, और वो जो हमारा चांस का है वो एक्सेस नहीं होने देता है बॉडी में। तो आपको सिर्फ वो ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशन से बनाया गया है कि आपको वो एक आप लोगे तो वो सफिशिएंट होगा, जितनी नीड है वो उतना ही आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगा आपको विटामिन, तो ये इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों। दूसरा ये है कि जितने हम जो भी चीज आज खा रहे हैं सब केमिकल बेस्ड है, चाहे आप कुछ भी खाते हो तो वो शरीर में टॉक्सिक बनाती है। टॉक्सिक से जानते हैं कि सारे ऑर्गन्स पे असर होता है, हमारे हेल्दी नहीं रह जाते हैं, कहीं ना कहीं डैमेज होने लग जाते हैं, कैंसर बनाता है अंदर। तो ये जो है ये आपका पूरा टॉक्सिक को निकालता है बॉडी से और आपका लाइफ एकदम हेल्दी बनाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये कहेंगे कि इसको लेना कैसे है, तो लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये आपको रात में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको थकावट को दूर करता है, मैंने जैसे पहले ही कहा एक्टिव बनाता है, और रात में हमको एक्टिव की जरूरत नहीं होने की, हमको सोना है नहीं तो हमको नींद नहीं आएगी अगर हम इसको रात में लेंगे। तो हमको आफ्टर मील इसको लेना है, आप ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, रात में इसको नहीं लेना है। और ये सबके लिए, बच्चे बूढ़े और जवान जैसे कह सकते हैं, जेंट्स और लेडीज आप जरूर खाइए इसको, सब ले सकते हैं। दूसरा अगर आप एक और प्लस पॉइंट है जो कि लेडीज बहुत ज्यादा चाहती हैं कि वो एंटी एजिंग का भी काम करता है, हमेशा यंग रहने के लिए, कौन चाहता है कि जल्दी से बुढ़ापा आ जाए, कोई नहीं चाहता है, तो ये एंटी एजिंग का भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा जैसे आजकल कमी हो गई है क्योंकि हम लोग टाइमली खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि मिस कर देते हैं कुछ ना कोई मील किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से, तो ये उसके लिए ये पूर्ति करता है एक टैबलेट लेने से। और बच्चे जैसे कि बहुत सारी चीजें नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीजें उनको पसंद नहीं होती हैं, तो उन सब की पूर्ति बस एक टैबलेट से हो जाती है उनके लिए भी। तो आज के टाइम में तो इम्यून सिस्टम बूस्ट कर ही रहा है, आपको यंग बना ही रहा है, डिजीज से दूर कर रहा है, आपको ए बी सी डी ई सबके फायदे एक साथ दे रहा है, नेचुरल बेस पे बना हुआ है और केमिकल प्रोसेस पे नहीं बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अदर मल्टी विटामिन इसका जो भी रिप्लेसमेंट हो सकता है दोस्तों। तो चाहिए तो मुझे लगता है केमिकल को छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा हमको नेचुरल हर्ब्स की तरफ आना चाहिए, जो कि ये हर्ब्स पे ही काम करते हैं और हर्ब्स पे ही ये बना हुआ है, और एक पैक में 20 टैबलेट्स आती हैं, तो एक लोगों के लिए सफिशियंट है दोस्तों। अगर हेल्थ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूंगी कि आप तो सिर्फ ट्यांस के ही मल्टी विटामिन की तरफ जाइए। अगर आपके अंदर और भी कुछ क्यूरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर आप कुछ भी इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है उस पर आप ईमेल करिए, और जो आपको पूछना है आप बेझिझक हमसे पूछिए दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बहुत बहुत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए फ्रेंड्स, बाय बाय।